गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात हुई थी कि हम एक नई सप्लीमेंट की सीरीज शुरू करेंगे और आप लोगों ने सबने कमेंट्स में कहा कि हाँ उस सीरीज की बहुत जरूरत है और जरूरत बिल्कुल है क्योंकि मार्केट में इतने सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं फॉल्स प्रॉमिसेस के साथ। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। तो ऐसे में हम खुद चाहते हैं कि हर एक सप्लीमेंट को डिटेल में आप लोगों के लिए कवर करें, क्या क्लेम्स उसकी मार्केटिंग में हो रही है, क्या सच्चाई है और हर चीज को डिस्टिल करके क्या वो आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। तो इसी चीज के लिए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, हर एक सप्लीमेंट डिटेल में कवर करेंगे जितने भी सप्लीमेंट है मार्केट में। बात करते हैं कि हम इस सीरीज में क्या कवर करेंगे। हमारे हर एक वीडियो का एक थीम होगा जिसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट एंड हाउ, ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सेकेंड इज द क्लेम्स, क्या होता है इसमें, की फिटनेस कंपनी इसको कैसे मार्केट करती हैं। हमें कैसे लुभाती हैं, हमें कैसे अट्रैक्ट करती हैं। थर्ड थिंग इज ट्रुथ, क्या ये क्लेम्स सही हैं या ये क्लेम्स सही नहीं हैं। फोर्थ इज वर्थ इट और नॉट, क्या हमारा वर्डिक्ट क्या है, एंड अगर हाँ अगर इफ इट इज वर्थ इट, व्हाट इज द डोजेज एंड टाइमिंग, क्या डोजेज है, कितने अमाउंट में लेना चाहिए, एविडेंस बेस्ड डोजेज क्या है, साइंस ने अपना अभी तक क्या बोला है कि कितनी डोजेज आपको अफेक्ट करेगी और किस टाइम में लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए, मील्स के बीच में लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए। सो दिस विल बी द थीम ऑफ आवर सप्लीमेंट सीरीज, शुरू से लेकर एंड तक कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सप्लीमेंट जो हम कवर कर रहे हैं वो है L-Carnitine। बहुत ज्यादा फेमस सप्लीमेंट है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इनसे अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया है सप्लीमेंट का रिव्यूज करके। वी वोंट नेम देम बट इन सिंपल टर्म्स L-Carnitine इज अनदर अमीनो एसिड। हमारे 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड की सप्लीमेंटेशन होती है जैसे क्रिएटिन, ग्लूटामिन और बहुत सारे ट्रिप्टोफैन, बहुत सारे सप्लीमेंट जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये एक और सप्लीमेंट है जिसका जो एक अमीनो एसिड है, इसका नाम है L-Carnitine। ये हमारे बॉडी में भी कुछ अमाउंट में बनता है जस्ट बिकॉज इसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम डाइट की बात करें तो ये हमारे मीट में बहुत बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। सेकेंड ये हमारे एवोकाडो है उसके अंदर होता है और डेयरी के अंदर भी कुछ अमाउंट में होता है। तो गाइस L-Carnitine के 3 फॉर्म्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, थोड़े से रिलेटेड है, इनके नाम बहुत रिलेटेड है बट हम आपको तीनों के नाम बताते हैं। फर्स्ट वन इज ALCAR विच इज L-acetyl L-carnitine। सेकेंड इज LCLT विच इज L-carnitine L-tartarate। थर्ड वन इज GPLC विच इज ग्लाइसिन प्रोपियोनिल। वन सेकेंड, हमें भी नहीं पता, ग्लाइसिन प्रोपियोनिल L-carnitine। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 फॉर्म्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट। इन दिनों के अलग अलग फंक्शन हैं बट वी विल ब्रेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग और अब बताते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन है इसका एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो L-carnitine जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं, चिपक जाते हैं फैटी एसिड से। अब ये फैटी एसिड्स जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, आपने अपने बचपन में पढ़ा हो अपनी बुक्स में जरूर, और हम आपकी इसकी फोटो भी डाल देंगे। सो ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और वहां पे एनर्जी बर्न होती है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है ADP से ATP के अंदर। दैट मींस 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया से बायो याद आती है सीधा। अच्छी लगती है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला रिप्रोडक्शन चैप्टर। सो सेकंड चीज है ये है एक एंटीऑक्सीडेंट। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी एनर्जी बनाने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ये उसको, जो भी फ्री रेडिकल्स निकलते हैं ये उसको न्यूट्रल कर देता है। इसका मतलब है ये है एक एंटीऑक्सीडेंट। तो गाइस ये जो L-carnitine है इसका मार्केटिंग में आपको जनरली एज अ फैट बर्नर ही आपको दिखाई देगा, फैट बर्नर L-carnitine बेस्ट फैट बर्नर ऐसा कुछ। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको छोटा छोटा ये भी दिखाई देगा कि इट इंक्रीजेज योर फिजिकल परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग योर फटीग, या फिर आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है L-carnitine। अब इन ये जो क्लेम्स हैं इनमें कुछ बातें कुछ हद तक सही हैं और कुछ बातें बिल्कुल सही नहीं, डिपेंड करता है किसकी बात हो रही है। तो चलिए ये हो गए क्लेम्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस का क्या कहना है, ट्रूथ क्या है। तो हाँ ये आपके फैट लॉस में बिल्कुल मदद कर सकता है, जैसा कि अभी रिचित भाई ने बताया कि ये पूरी फैट लॉस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है
आपके फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। तो अगर आप डेफिशिएंट हैं, जो भी चांसेस है कि आप नहीं होंगे अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आप यंग हैं, आप एक्टिव हैं, तो पर अगर आप हैं डेफिशिएंट तो वहां पे इसको सप्लीमेंट करने से आपके फैट लॉस में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि आप डेफिशिएंट हैं इसमें। जैसे कि हमने बात की थी सप्लीमेंटेशन वाले एपिसोड में, सप्लीमेंटेशन वर्क्स फॉर यू इफ यू आर डेफिशिएंट इन इट फ्रॉम योर डाइट। तो इस केस में ये आपके ग्लूकोज डिस्पोजल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकता है, पर ज्यादातर लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट कोई स्टडी में यंग और एक्टिव एडल्ट्स पे इसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट शो नहीं किया है, और जो स्टडी हुई है यंग लोगों पे उसमें तो कोई इफेक्ट नो इफेक्ट शो हुआ था, यानी कि कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग डेफिशिएंट नहीं थे इसमें। और जो दूसरा वेज क्लेम है कि वो आपका पावर आउटपुट बढ़ा देता है फटीग रिड्यूस करके, तो उसके लिए यूजुअली LCLT जो फॉर्म था, L-Carnitine, L-Tartrate, उसको यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, कई प्री वर्कआउट्स के अंदर भी वो मौजूद होता है। पर थ्योरेटिकली हाँ, शायद वो आपके पावर आउटपुट में इंपैक्ट कर सकता है, पर अगर इफेक्ट है तो भी बहुत माइनर है, कोई स्टडी हमारे पास है नहीं शो करने के लिए, और बहुत ही माइनर इफेक्ट होगा अगर होगा तो भी। तो थर्ड क्लेम है कॉग्निटिव एनहांसमेंट। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपकी मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज कर देता है और ब्रेन फंक्शन में बहुत अच्छा काम आता है। इसमें यूज होता है एल्कार, विच इज एसिटाइल L-Carnitine, जिसको एक न्यूट्रोपिक बोलते हैं। तो जो भी चीजें आपकी ब्रेन से खेलती हैं, आपकी ब्रेन फंक्शन को एनहांस करती हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपिक्स। तो ये एक तरह का न्यूट्रोपिक है। एक और चीज जो ये करता है, वो करता है मेंटल फटीग को नीचे करता है, इट डिक्रीजेस मेंटल फटीग। और जो बूढ़े लोगों के अंदर ब्रेन फॉग होता है या उनको न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसीज हो जाती है या फिर उनका डिक्लाइन हो जाता है, ये उसे भी इंप्रूव करता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आवर वर्डिक्ट, हमारा फैसला, IV's फैसला। इसका मतलब है वर्थ इट और नॉट। क्या हम ये रिकमेंड करते हैं या नहीं? तो बेसिकली सारे स्टडीज देखने के बाद हमें ये पता चला है कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए, एवरेज जिम गोअर, एवरेज ब्रो जो जिम जाता है सिर्फ फिट होने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए या फिर मसल गेन करने के लिए, 99% उसे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भाई सच ये है कि जितना भी अमाउंट आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है L-Carnitine का, और अगर आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो वो मोर देन इनफ है इसके बेनिफिट्स आपके लिए मैक्सिमाइज करने के लिए। अब उतने से आपके बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे, इसका मतलब ये नहीं आप उसमें सप्लीमेंट करके और ऐड भी कर देंगे तो आपके और बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं, आपके ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो चुके हैं बेनिफिट्स, और उसमें और सप्लीमेंटेशन करने से आपको कोई खास यहाँ पे बेनिफिट नहीं होने वाले हैं। ऑल इन ऑल दिस इज एन ओवरहाइप्ड सप्लीमेंट। अब बात करते हैं किन लोगों में काम आ सकता है। तो ये उन लोगों में काम आ सकता है जो लोग बहुत डेफिशिएंट हैं इसके अंदर, जैसे वीगन्स, वेजिटेरियंस, एल्डरली, बूढ़े लोग, और जो लोग लो कैलोरी डाइट पे हैं, जो अपने फैट लॉस में बहुत डीप चले गए हैं, क्योंकि उनके फूड सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उस केस में इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आप अपनी कॉग्निटिव एनहांसमेंट करना चाहते हैं, मतलब अपना ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं, ब्रेन फॉग से बचना चाहते हैं, तब भी आप एल्कार ले सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस इसके डोसेज की और टाइमिंग की, कितना लेना है और कब लेना है। तो गाइस ऑल इन ऑल 99% लोगों के लिए इसका कोई काम नहीं है L-Carnitine का। जिनके लिए है, यानी कि जो पॉपुलेशन भाई ने भी कवर की, एल्डरली लोग और जिन लोगों के फूड चॉइसेस लिमिट हो जाती है, वेगन्स, वेजिटेरियंस और बहुत ही ज्यादा जो डाइट कर रहे हैं एंड डाइट के बजट में पहुंच चुके हैं, वो लोग अगर सप्लीमेंट करें थोड़े से पॉसिबल बेनिफिट्स के लिए, हल्के से एज के लिए, तो वो दिन में इसका 2 grams ले सकते हैं L-Carnitine का। तो गाइस इसी से हम एंड करते हैं L-Carnitine की वीडियो। बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा L-Carnitine, अगर आपने यूज किया है तो। हमारी तरफ से हमारा वर्डिक्ट ये है कि इट्स नॉट वैल्यू फॉर योर मनी, इट्स नॉट वर्थी, एंड डोंट यूज इट। Instead, spend some good amount on good amount of money on your food, your micronutrients, all these stuff. So, बताइए comments में कैसा रहा आपका experience L-Carnitine से, और आप use करेंगे या नहीं after this video. Till then, bye bye. This is Sid. I am Rajit. Signing off.